जैसे मजा आता है देखने में धोनी वाला सिक्स, वैसे आसान हो जाती है पूरी मैथमेटिक्स लगा के हमारी ट्रिक्स। तो दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसके अंत में पांच हो। जैसे 45 का वर्ग करना है, अंत वाला पांच को भूल जाना है, बची हुई संख्या को उसके अगला संख्या से गुणा कीजिए। चार का अगला संख्या पांच, चार को पांच से गुणा करेंगे, चार पांचे 20 होगा, अंत में 25 चिपका देंगे। क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मतलब हमेशा यही टेक्निक अपनाइए, जिस भी संख्या के अंत में पांच हो पांच को भूल जाइए, बची हुई संख्या को उसके अगला संख्या से गुणा कर अंत में 25 चिपका देना है। जैसे आपके सामने 75 है, पांच को भूल जाइए, बचा 7, 7 को अगला नंबर 8 से गुणा करेंगे, 7×8=56 हो जाएगा, अंत में 25 चिपका देंगे। जैसे आपके सामने 85 है, पांच को भूल जाएंगे, बचा 8, 8 को अगला नंबर 9 से गुणा करेंगे, 9×8=72 हो जाएगा और अंत में 25 चिपका देंगे। अब एक नंबर बच गया 115, इसका स्क्वायर करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी हम सीखेंगे 100 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर करने का टेक्निक। जैसे आपके सामने एक संख्या 94 है, देखेंगे कि 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, जितना कम हो उसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब 94 100 से 6 कम था, इस 94 से 6 और घटा लीजिए, 94 से 6 घटाएंगे 88 हो जाएगा। जैसे एक संख्या है 107, देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है 107, 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, ये 7 ज्यादा है 100 से, 7 ज्यादा है 100 से, जितना ज्यादा रहेगा इस संख्या में उतना का और वृद्धि कर लेंगे, 107 में 7 और ऐड करेंगे, ये 114 हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा हो और उस संख्या में उतना जोड़ लेंगे, जितना कम हो उतना और उस संख्या से घटा लेंगे। दो नंबर आपके सामने है 93 और 109, इसका स्क्वायर करके कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम सीखेंगे 50 के आसपास वाले संख्या का वर्ग करने का टेक्निक। एक बेस वैल्यू 25 को बस आपको याद रखना है, इस बेस वैल्यू 25 को पकड़ के रखिएगा। देखिए कंसेप्ट सीखिए, 45 का स्क्वायर करना है, देखेंगे 43 50 से कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, ठीक है। फिर ये 7 कम है 43 50 से, इसलिए इस 25 से हम 7 घटाकर लिखेंगे, 25 से 7 घटाएंगे 18 हो जाएगा और 43 का स्क्वायर 1849 बन जाएगा। जैसे सेकेंड क्वेश्चन में 56 का स्क्वायर करना है, देखेंगे 56 50 से कितना अधिक है, 50 से 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब ये 56 50 से 6 अधिक है, इसलिए बेस वैल्यू 25 में यहाँ 6 को ऐड करके लिखेंगे, 25 6 हो जाएगा 31। दो क्वेश्चन आप खुद कीजिए और इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए।